वर्ष के आखिरी सप्ताह में देशभर से आए दर्शनार्थियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तीन दिन में 11.35 लाख श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। केवल रविवार को ही 5,50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यही सिलसिला अब 1 तारीख तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्ष 2023 के आखिरी दिनों और नए वर्ष की शुरुआत में आने वाले श्रद्धालुओं को चलित भस्मारती का लाभ मिले, इसके लिए कार्तिकेय मंडपम को खाली रखा जाएगा। रविवार शाम 6:30 बजे से 2 घंटे तक प्रयोग के तौर पर पहली बार टनल से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि कतार में लगे श्रद्धालुओं को 40 मिनट में दर्शन करवाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर समिति, पुलिस जवान, अधिकारी व निजी सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है। वहीं सोमवार को जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह भी महाकाल मंदिर पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ये भीड़ 1 तारीख तक और बढ़ने की संभावना है, इसीलिए एक बार दर्शन व्यवस्था को देखने हम लोग सारी पूरी टीम के साथ यहाँ आए। भीड़ काफ़ी है लेकिन तब भी आधे घंटे 40 मिनट लोगों के दर्शन हो रहे हैं, ये संतोष का विषय है। ये टनल हमारे लिए वरदान साबित होगा आगे आने वाले समय में। टनल बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है, कल हमने टनल पर ट्राई किया था, 1 तारीख को पूरी तरह से इस टनल को चलाएंगे। देखिए हमारा पूरा एक एक जो कॉर्नर है वो CCTV के इस पे है और भीड़ को संचालन के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी प्लस पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, तो बाबा महाकाल की कृपा से पूरा समय अच्छा से निकलेगा, ऐसी मेरी कामना है। कल 5.5 लाख थे, आज बस 2-4% कम होंगे, लगभग 5 लाख आज भी दर्शन होंगे।